लाइक टू फ्रेंड्स स्ट्रिंग्स विद अरेबिक स्ट्रिंग्स, दोनों लेयर्ड हैं आपस में. फ्रेंड्स इसकी ये खासियत है अरेबिक स्ट्रिंग्स विद स्ट्रिंग्स, दोनों जो मैंने अब उससे पहले आपको जिसका ट्यूटोरियल दिया स्टार्टिंग में, वो दोनों स्टेज स्ट्रिंग्स हैं, एक विद बेस है और एक विदाउट बेस है. जो पहले मैंने बजाई थी वो विदाउट बेस थी, ये विद बेस है. देखिए यहाँ आपको काफ़ी अच्छा बेस मिलेगा यहाँ पे. लेट चेंज द कोर्ड्स. देखिए अगर इस तरफ से इसको बजाएं तो और अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है. देखिए जैसे कि अगर हम ऐसे कोई डेमो प्ले करें इस पे, ये देखिए. तो फ्रेंड्स ये दोनों ही आपको एक फिल्मी वो देती हैं, मतलब फिल्मी सा फील देती हैं अगर आप प्ले करते हैं. ये तो आपको बिल्कुल ही फिल्मी फील देती है. जो स्टीरियो स्ट्रिंग्स है हमारे स्टेज स्ट्रिंग्स, इसको बहुत ही अच्छे से एडिट करा हुआ है. देखिए कितना अच्छा फील देगा ये. तो बहुत ही अच्छा फील देता है फ्रेंड. और अगर इसकी बात करते हैं ये उससे भी और अच्छी फील देता है अरेबिक स्ट्रिंग्स. फ्रेंड्स आइए सीखते हैं इसको कैसे एडिट करें. दोनों ही बहुत ऑसम है. अगर आपने ज्यादा कोर्ड्स ही सिर्फ देने हैं तो आप पहले वाले स्ट्रिंग यूज करें जो मैंने पहले प्ले कर रहा था, उसको अभी सिखाता हूं कैसे एडिट करना है. अगर सिंगल पीस प्ले करना है तो ये वाली चूज कीजिए. जैसे देखिए क्योंकि इसका फ्रेंड्स ये था बनाने का मींस कि ताकि जब आप सिंगल पीस प्ले कर रहे हैं, सिंगल चीज प्ले कर रहे हैं तो ये और अच्छी फील दे अगर आप किसी लाइव प्रोग्राम में स्टार्ट कर रहे हैं. तो आइए फ्रेंड्स सीखते हैं इसको हमने कैसे एडिट करा. ये देखिए फ्रेंड्स आपने क्या करना है, स्ट्रिंग्स में जाएं, स्टीरियो स्ट्रिंग्स आएगी जो विदाउट एडिट होंगी. हमने दोस्तों इस बार टोन एडिटर नहीं दबाना, हम एक ऐसा इसमें मकसद कर रहे हैं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि आप यूजर टोन में सिर्फ 10 टोन सेव कर सकते हैं और वही रजिस्ट्रेशन के अंदर सेव हो सकती हैं 10 टोन. 11th पे जाएंगे तो वो रिप्लेस हो जाता है और ये डिफॉल्ट है फ्रेंड्स. तो हमने क्या करा, इसको हमने मिक्सर से एडिट करके मेमोरी में सेव कर दिया ताकि इसमें आपको ही प्रॉब्लम ना हो और आपका बैंक भी ज़्यादा ना भरे. यूजर टोन में सेव करने की इसको हमें जरूरत नहीं पड़ेगी. और काफ़ी सारी टोन्स हैं फ्रेंड्स जिसको आप बिना टोन एडिटर के एडिट कर सकते हैं मिक्सर से, हमारी DSP हैं. हाँ फ्रेंड्स और अगली वीडियो DSP भी आएगी जो कि रोलैंड की आप 2018 की न्यू टोन्स कह सकते हैं और हमारे कीबोर्ड की भी है 2018 न्यू टोन्स हो सकती हैं. तो आइए फ्रेंड्स सीखते हैं इसको हम कैसे एडिट करें. तो आपने फ्रेंड जस्ट क्या करना है, पहले मिक्सर का बटन प्रेस करेंगे. मिक्सर का बटन प्रेस करा हमने, उसके अंदर ये स्ट्रिंग्स आती हैं ऐसे, वन पे कर्सर आ जाएगा. फिर उसके बाद जाएंगे आप पार्ट ऑन वॉल्यूम 127 एंड पैन रखना है फ्रेंड्स 20 पैन रखेंगे. इधर आपको साउंड मिलेगा कीबोर्ड में, देखिए जैसे स्ट्रिंग्स का साउंड है तो इस समय साउंड इस तरफ से आ रहा है और जब इसको प्ले करेंगे अलग सी फील आती है पैन में, तो ये इसका फायदा हो जाएगा. और फाइन ट्यून कुछ नहीं रखना, बैंड रेंज 2 रहेगी और DSP लाइन ऑफ रखेंगे. रिवर्ब सेंड 110 रखेंगे फ्रेंड्स, नोट कीजिए रिवर्ब सेंड 110 रखेंगे और कोरस सेंड इसमें 80 रखेंगे. आई थिंक 64 होगी तो आप इसको 80 करेंगे, ज़्यादा मत करिए फ्रेंड्स. ये पैरामीटर्स बिल्कुल ही सेट करे गए हैं रोलैंड के हिसाब से, तो इसको आप अप और डाउन मत करें, तो ये स्केल इसका ऑन रहेगा. फिर आप फ्रेंड एग्जिट का बटन दबा देंगे. नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है फ्रेंड्स आपने, और फंक्शन का बटन दबाएं, मिक्सर का बटन साथ में दबा दीजिए. अब रिवर्ब आएगा, उसको आप रखेंगे फ्रेंड्स Stadium 1, रिवर्ब को रखेंगे Stadium 1. DSP डिसेबल फ्रेंड्स ऑफ, अगर ऑन करेंगे तो साउंड खराब हो जाएगा. जैसे देखिए अब DSP इस समय ऑन है तो साउंड देखिए खराब है, वो फील नहीं आ रही फ्रेंड्स बजाने की, तो आप DSP ऑफ रखेंगे इसके अंदर. उसके बाद फ्रेंड्स
कोरस टीएसपीस में आप सीओ सी एच ओ कोरस रखेंगे, और फ्रेंड्स कोरस को 5 रखना है इसके अंदर, ये अच्छे से नोट करें। जब आप इसको एडिट कर रहे होंगे तो ये डीएसपी आपका सॉरी कोरस जो होगा 3 होगा, आपने कोरस रखना है 4, तो और अच्छी फील आएगी। देखिए ऐसे बहुत ही अच्छी फील आएगी फ्रेंड, फिल्मी फील आएगी आपको। और डीएसपी ये छेड़ना ही नहीं है हमको, ये डीएसपी जो फ्रेंड्स आ रहे हैं ना डीएसपी एडिट, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा अपनी डीएसपी कैसे बनाएं, अपनी वीडियो आपने अगर बनानी हो तो उसको आप कैसे बनाएं डीएसपी एडिट वाली, तो फ्रेंड्स वो काफ़ी अच्छा उसका फंक्शन मिल जाएगा आपको वहाँ पे। और बस ये फ्रेंड्स छोटा सा स्टेप था, इसको आप स्टोर का बटन दबाएं और ये ऐसे सेव कर दें। देखिए इसमें आपका यूजर टोन भी नहीं फील होगा, और जहाँ आप अगर इसको सेव करना चाहें जौन से ही बैंक में, आप उसको वहाँ सेव कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स बारी आती है जो मैंने ये वाला बनाया हुआ है अपना अच्छा टोन अरेबिक स्ट्रिंग्स वाला, आपने क्या करना है जस्ट फ्रेंड्स ये चूज़ करेंगे। देखिए क्या करना है आपने फ्रेंड्स, इसको चूज़ करिए आप, ये तो आपके पास टोन है ही अलग से। अब आप दोबारा स्टीरियो स्ट्रिंग एडिट नहीं करेंगे, बेवकूफ़ों वाला काम नहीं करना, हमने क्या करना है दोबारा से इसी को चूज़ करेंगे। चूज़ करा, लेयर दबाएंगे, लेयर का बटन दबा के अदर्स की कैटेगरी में जाके फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मिलेगा 25 नंबर पे अरेबिक एंड स्ट्रिंग्स, अरेबिक स्ट्रिंग्स मिलेगा अदर्स की कैटेगरी में जाके। बस उसको लेयर करें और स्टोर का बटन दबा के इसको, जैसे कि मैंने 3 में सेव करा है तो मैं यहाँ 3 में सेव कर दूंगा। बस देखिए टोन बन गया आपका, 2 टोन्स बन चुकी हैं, ये तो बिल्कुल ही फिल्मी फील आती है इसकी तो। ये था फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा फंक्शन है कीबोर्ड में एडिटिंग का मिक्सर के साथ। अगर टोन एडिटर नहीं है आप मिक्सर को ऑन कीजिए और एडिट कीजिए, अगर ये आपके यामा आपका कीबोर्ड है उसके अंदर मिक्सर का ऑप्शन मिलता है तो आप एडिट करें, तो फ्रेंड्स बिल्कुल रोलैंड जैसी ये फील है। अगर आपके कीबोर्ड रोलैंड का कहीं आपने सुना है तो उसके स्ट्रिंग्स को बिल्कुल ही फ्रेंड मतलब उससे भी अच्छी स्ट्रिंग्स है बन चुकी है रोलैंड जैसी। अगर मैं इसके पैरामीटर्स और बढ़ा दूँ तो और ही अच्छी टोन्स बन सकती हैं, क्योंकि फिर आवाज़ फटने का डर रहता है। तो ये जो पैरामीटर सेट करे गए हैं बिल्कुल रोलैंड टाइप पैरामीटर सेट है, फ्री टोन काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको मेरे को आशा है। और अगली वीडियो जैसे कि बताया मैंने आपको डीएसपी पे डलेगी, तो फ्रेंड ऐसे ही मेरी वीडियोस को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कीजिए फ्रेंड आपको स्ट्रिंग्स कैसे लगे। जब आप फ्रेंड्स खुद इसको एडिट करेंगे तो आपको फील खुद आपको पता चलेगा। फिलहाल मेरे को फ्रेंड्स कमेंट जरूर करें, इससे काफ़ी हौसला मिलता है और टोन्स एडिट करने के लिए। तो फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक सो मच।